देवी, एक स्टॉक जिसमें कि आपने बढ़िया मुनाफा दिलवाया था और आपने बहुत शुरुआती दौर में उसको पकड़ लिया था जब ज्यादातर लोग उसको नहीं देख रहे थे। बात कर रहा हूँ सर NIIT लिमिटेड की। हाँ यस सर, हमने इसको बताया था आप ही के चैनल में फर्स्ट टाइम, तो उसके बाद बहुत एकदम डबल हो गया था। लेकिन एग्जिट भी हमने बताया था और हमने एग्जिट भी करवा दिया था। अभी का जो सिचुएशन है सर, एक सपोर्ट जो बन के आ रहा है अभी लॉन्ग टर्म के लिए, वो है 276। देखिए अभी 328 चल रहा है, आप 276 में एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 276 अगर कभी भी हिट होता है ना, तो तुरंत आप निकल जाइए, एग्जिट कीजिए। बाकी इतना नीचे आ गया स्टॉक अभी कि हमने देखा जैसे ही, इसीलिए क्या है ना, आपको हमेशा स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखना चाहिए कंपनी के, चाहे अच्छे हो बुरे हो कभी भी। तो अभी क्या है ना, आपको 276 के स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। मेरे को लगता है एक बार आपको 382-400 के आसपास दिखेगा बहुत जल्दी। 15-20 ट्रेडिंग सेशंस आपको वेट करना पड़ सकता है, तो आपको एक बार 380 एंड 400 के आसपास आपको प्राइस मिलेगा, तब आप एग्जिट के सोच सकते हो। प्रदीप जी, अगर मैंने और निचले लेवल से खरीदा हुआ था 285 से, तो क्या मुझे यहाँ पे एग्जिट कर लेना चाहिए या मैं बना रहूँ और ये जो थोड़े से ऊपर के लेवल्स आप कह रहे हैं कि 350 के आसपास के लेवल्स मिल सकते हैं, तब मैं निकलूँ? सर तब मैं बताऊंगा आपके लिए कि एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए। अगर आपने लोअर लेवल से खरीदा तो इस वक्त आप मत सेल कीजिए, बिकॉज एक जो रेजिस्टेंस शॉर्ट टर्म के लिए था 322 में, 322 के ऊपर ही अभी चल रहा है। तो मैं इसके लिए हमेशा एक स्टॉप लॉस देता हूँ, हमेशा 1 आवर्स के एवरेज प्राइस, जो कि अभी निकल के आ रहा है मेरा चार्ट में 313 के आसपास। आप 313, अभी 328 चल रहा है, 313 में एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए एंड होल्ड कीजिए। अगर 313 हिट होता है तो आप निकल जाइए, प्रॉफिट बुक मत कीजिए, बिकॉज हो सकता है जो रेसिस्टेंस के ऊपर अभी सस्टेन कर रहा है, आपको 2-4 दिन 5 दिन में ही इस काउंटर आपको 340 से 350 के अंदर आपको एक बार प्राइस दिखाई दे सकता है। तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए।